दोस्तों, अगर मैं कहूं कि बिहार और संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी समानता है एक मुद्दे पर, तो आप हंसोगे, आप चकित होगे। लेकिन है वो क्या मुद्दा है? वो मुद्दा है चुनाव का। आप फिर चकित होंगे। खुलासा करता हूं, बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव दोनों के दोनों होने जा रहे हैं नवंबर के महीने में। अब सवाल यह है कि कोरोना वायरस के चलते हुए क्या ये चुनाव हो सकते हैं? ये सवाल अमेरिका में भी उठा है और ये सवाल बिहार में उठना तो लाजमी है। तो अब एक इस तरह से बिहार और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समानता है। दोस्तों, मैं राजीव शर्मा, यह वीडियो ट्यूटोरियल खास तौर पर हिंदी में मैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स उन कैंडिडेट्स के लिए लेके आ रहा हूं जो यूपीएससी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। और जैसा कि सारा देश जानता है कि बिहार से बहुत अधिक तादाद में, बहुत अधिक संख्या में यूपीएससी के लिए छात्र उतरते हैं, इसलिए ये बिहार के उन छात्रों के, उन मेधावी छात्रों के लिए, ये जिनका मीडियम अंग्रेजी मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम है, उनके लिए मैं हिंदी में वीडियो लेके आया, उसको आखिर तक देखिएगा जरूर। अब आगे, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 9 दिन में लगातार हर रोज बिहार में 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आए, जिसने बिहार के विधानसभा आगामी चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बिहार की विधानसभा का समय 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है, यानी 29 नवंबर से पहले पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना आवश्यक है, और अगर नहीं हुआ किसी भी कारणवश तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब समस्या यह है कि जब कोरोना वायरस में के टाइम में, ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह बहुत जरूरी है, लॉकडाउन आप जानते हैं बिहार में तो 31 जुलाई तक कर दिया गया, 16 जुलाई से, इन सारे हालातों को देखते हुए, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए, तो अब ऐसे में क्या चुनाव किए जा सकते हैं? LJP जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसका मानना है कि चुनाव को पोस्टपोन कर देना चाहिए। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, जो JDU के नेता है, वो चाहते हैं चुनाव सही समय पर हो। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि जो चुनाव आयोग जो भी निर्णय ले हम उस पर जाएंगे। अब चुनाव आयोग का निर्णय तो सितंबर तक उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली मर्तबा 2015 में 5 फेजेस में चुनाव हुए थे बिहार असेंबली में, बिहार असेंबली के 243 मेंबर्स असेंबली के लिए। तो अब उसमें जब 5 फेजेस पिछली बार 2015 में हुए थे, तो इस बार तो, और वो भी अक्टूबर नवंबर में, तो इस बार तो कोरोना वायरस के रहते हुए ये तो हो सकता है कि इन फेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ जाए, बहुत संभव है। अच्छा, दूसरी समस्या क्या आ रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव करता भी है, लेकिन ये चुनाव है भाई, आप बॉलीवुड की फिल्में ऑनलाइन रिलीज कर सकते हो, आप क्रिकेट मैचेस और स्पोर्ट्स इवेंट्स बिना दर्शकों के, दर्शक दीर्घ खाली होते हुए आप कर सकते हो। अभी ICC ने T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होना था, वो उसको पोस्टपोन कर दिया। अब IPL हो सकता है,
सितंबर में, लेकिन वो आईपीएल अगर होगा तो वो दर्शक दीर्घाएं खाली रहेंगी। फुटबॉल का वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो गया, बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट्स पोस्टपोन हो गई, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का की टेस्ट श्रृंखला चल रही है इंग्लैंड में बिना किसी दर्शक के, वो आप कर सकते हो। आप इलेक्शन रैली भी ई रैली कर सकते हो, चलो जैसे हमेशा ने किया था बीजेपी प्रेसिडेंट ने, कई हजार का दसों हजार सत्तर हजार से भी ज्यादा उन्होंने एलईडी स्क्रीन टीवी स्क्रीन्स लगाई थी पेड़ों पर छतों पर इधर उधर मैदानों में, ई रैली हो सकती है। लेकिन भाई जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव मतदान है, वो कैसे करोगे? वो तो फिजिकली करोगे ना। ठीक है, पिछली मर्तबा बिहार ने बहुत सारे झंडे गाड़े थे, पहली मर्तबा ऐसा चुनाव था इंडियन बिहार पहला राज्य बना हिंदुस्तान का जब जिसमें फोटो इलेक्टोरल कार्ड था, जहां पर जो जो कैंडिडेट्स की जो फोटो है वो ईवीएम मशीन पे थी। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने एनआरआईज को वोटिंग राइट्स दिए और एनआरआईज ने सेमी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करी। लेकिन ये जो चुनाव होने जा रहा है अगर होगा नवंबर तक, तो ये तो इंडिया क्या पूरा हमारा मुल्क क्या पूरा विश्व इसको देखेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखेगी, जितने विश्व में जितने जितने स्वास्थ्य संगठन और संस्थान है वो सब देखेंगे, सबकी नज़र बिहार पे होगी। 7,20,00,000 वोटर्स हैं कि आबादी है बिहार की, 7,20,00,000 की आबादी, अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ है, वो तो पूरा मुल्क है, हिंदुस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ा। ये तो एक छोटी सी ये तो एक स्टेट है हिंदुस्तान की, बिहार तो 7,20,00,000 की आबादी वाले राज्य में आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंश्योर करोगे मतदान के समय? ये सबसे बड़ी समस्या होगी चुनाव आयोग की। अब दूसरी समस्या लीजिए, पिछली बार 56.8% मतदान हुआ था और 72,000 पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे, और तब ये नॉर्म थी, तब ये एक कानून था कि एक पोलिंग बूथ पर अंदर 1600 से ज्यादा एट ए टाइम व्यक्ति नहीं हो सकते। अब मैंडेट बदल दी गई है, नियम बदल दिए गए हैं, अब नए नियमों के अनुसार पोलिंग बूथ के अंदर 1000 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। तो उसका मतलब ये हुआ कि पोलिंग बूथ की संख्या तो 1,00,000 से ऊपर पहुंचेगी, उनको मैनेज करना बहुत टेढ़ी खीर है। फिर दूसरा, पोलिंग बूथ्स अक्सर ये पाया जाता है, पूरे देश की ये हालत है, खाली बिहार और किसी की नहीं, कि यहाँ पर जो पोलिंग बूथ्स होते हैं ये गुच्छों में होते हैं, यानी कि एक छोटे से इलाके में 4-5 पोलिंग बूथ्स हो गए, क्योंकि वो सुविधा रहती है उसमें इलेक्शन कमीशन को, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करोगे? और जो 1000 लोग आपने कर भी दिया अंदर पहुंच गए तो वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं राजनीति पर। राजनीति में आप सोचेंगे कि भाई नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है, वो तो चीफ मिनिस्टर है, वो क्यों चाह रहे हैं चुनाव समय पर? अगर लंबा समय खींचे तो उनका क्या जाता है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत वो दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। अब नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले, उनका पलटी मार व्यक्तित्व है, उनको शायद डर ये होगा कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी पलटी मार दी जो बीजेपी को नागवार गुजरे तो राष्ट्रपति शासन लगा दे बीजेपी। लेकिन अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो भाजपा ये के पास ये प्रावधान है कि वो
बिना राष्ट्रपति शासन लगाए और नीतीश कुमार को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अनाउंस करके चुनाव लड़े। लेकिन अब राजनीति तो राजनीति है, कुछ पता नहीं है कि ये ऊंट किस कमरे बैठेगा, किस दिशा की हवा चलेगी। नीतीश कुमार का आरजेडी और कांग्रेस के साथ क्या होने जा रहा है कुछ पता नहीं। तो अगर कुछ उन्होंने उल्टा उलट पुलट कर दी तो ये शर्तिया बात है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाएगी और फिर चुनाव होगा। इसलिए वो उस सूरत हाल को पैदा नहीं होने देना चाहते नीतीश कुमार, वो चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए। तो ये भी समय से पहले तो इस वक्त नहीं हो सकते, लेकिन समय पर भी हो जाए तो गनीमत समझिए। अभी तो सबसे बड़ा मामला ये है कि भाई कोरोना वायरस के जो केसेस आ रहे हैं उनको काबू में लाया जाए। काबू में कहाँ से लाया जाए, टेस्टिंग तो हो नहीं रही है, टेस्टिंग का रिकॉर्ड तो बिहार का बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब टेस्टिंग नहीं होगी तो आप इलाज कैसे करोगे, आप केसेस को सेग्रीगेट कैसे करोगे, और टेस्टिंग ओवरनाइट तो हो नहीं सकती है, रातों रात तो हो नहीं सकती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं है अब आगे कहाँ से होगा, अब मुश्किल से 100 दिन के करीब तो रह गए। और अगर इलेक्शन कमीशन का निर्णय देखें तो उसके लिए तो 2 महीने भी नहीं रहे अब। तो दोस्तों ये एक बहुत दिलचस्प विषय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि, और ये जिसे ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि लास्ट वर्ड हैज़ नॉट बीन सेड ऑन दिस, और इसमें भी बहुत समय लगेगा। जैसा मैंने कहा कि ऊँट किस करोड़ बैठेगा पता नहीं, चुनाव होंगे, समय पे होंगे, किस प्रकार से होंगे, कितने फेजेस में होंगे, क्या क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स होंगे, कितने इलेक्शन बूथ्स होंगे वगैरह वगैरह। तो मैं अपने वीडियो एडिटर को यहाँ पे विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल राजीव किशकिंदा को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।